हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये अभी अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट आने भी वाला है, तो किस टाइप की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस सब का आइडिया आपको इस प्रीवियस ईयर के पेपर से मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने खुद भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमेशा मेमोरी बेस्ड जो पेपर होता है वो आपका एग्ज़ाम के लेवल से गिरा हुआ होता है। गिरा हुआ इन दी सेंस कि एग्ज़ाम के लेवल से नीचे की ओर होता है, हल्का होता है, मतलब वो सिंपल होता है। आपके एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ना। मतलब देखो, मैं ये नहीं बोलती कि एग्ज़ाम टफ आता है या काफ़ी ट्रिकी होता है, आरबीआई काफ़ी ईजी आता है, लेकिन अगर आप उसे मेमोरी बेस से कंपेयर करोगे तो वो जो पेपर है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। अगर मैं इसको एक स्कोर देना चाहूँ तो अगर आरबीआई के पेपर का जो लेवल है वो लेवल 3 है, तो अपन जो मेमोरी बेस्ड वर्क कर रहे हैं वो लेवल क्या है, आपका 2 है। तो इतना फर्क रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेमोरी बेस्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है ना। क्वेश्चन कभी भी नहीं पता होता है, हमेशा ज्यादातर लोगों के माइंड में क्या होता है, आंसर होता है ना, आंसर होता है, और एक आध लाइन उन्हें क्वेश्चन से पता होती है, तो वो आंसर जो होता है, जो डायग्राम आता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए स्टेटमेंट्स को बना देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई करे हुए होते हैं, ठीक है। वहां पर आपने कुछ पढ़ा और फिर उसका मीनिंग जाना, ठीक, तो मीनिंग जानने के बाद आपने यहाँ पर बनाया है ना, तो आप क्या यहाँ पर आकर एग्जैक्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है कि आप वो लिख पाएंगे नहीं, उसका जो मीनिंग निकलेगा वो आप यहाँ पर लिख पाएंगे, उसको आप क्वेश्चन में लिख देंगे, तो ये क्या हुआ, ये तो सिंपलीफाई हो गया ना, है ना, आपने उसको सिंपल कर दिया। तो जो मेमोरी बेस्ड होता है वो हमेशा से इजी होता है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो जब भी आप मेमोरी बेस्ड बनाएं तो एक चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ये हल्का है, एग्जाम का लेवल इससे थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है। सो फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, बी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कितने पर्सन थे, क्या है, डायरेक्ट ए बी से स्टार्ट करा है, तो हम लोग एक बार काउंट कर लेंगे कितने पर्सन है। तो 4, 4, 8 और 1 9, देखो 9 पर्सन है। अगर हम जल्दीबाजी करते, इस पर ध्यान नहीं देते, तो हम इतना हम लगभग अंदाजा लगाकर क्या करते कि 8 पर्सन बैठे होंगे और बनाना स्टार्ट कर देते और हम वहीं फंस जाते, जबकि में है 9। तो ठीक है, यहां पर आप लोग 9 का डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर, सेंटर से अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, तो बी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज 2nd टू द राइट ऑफ सी। तो बी जो है 4 टू द लेफ्ट है जी के, है ना, तो जी यहाँ पर आएगा और बी 4 टू द लेफ्ट है, तो 1, 2, 3 एंड 4, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से इनसाइड फेस कर रहे हैं। फिर जी के बारे में कह रहे हैं, जी हु इज 2nd टू द राइट ऑफ सी, जी जो है वो 2nd है टू द राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ पर आएगा और जी जो है वो कैसा हो जाएगा, इसका 2nd टू द राइट में आ जाएगा। देन एफ इज 4th टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, एंड इज 2nd टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो एफ जो है वो 4th है टू द राइट ऑफ सी, तो 1, 2, 3 एंड 4th एफ यहाँ पर आ जाएगा और ये 2nd है टू द राइट ऑफ आई, टू द लेफ्ट ऑफ आई, सो टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो आई के लेफ्ट में आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। देन डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर आई और बी, तो डी जो है वो आई और बी का नेबर नहीं है, या तो डी यहाँ पर आएगा या फिर डी यहाँ पर आएगा, और ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो ए जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। देन एच इज 3rd टू द राइट ऑफ ई, एच जो है वो ई के 3rd टू द राइट में है, तो अगर ई यहाँ पर आता है तो 1, 2 एंड 3 एच यहाँ पर आ सकता है, इसके अलावा अगर ई यहाँ पर आता है तो 1, 2, 3 एच यहाँ नहीं आ सकता, और अगर ई यहाँ आता है तो 1, 2, 3 एच यहाँ नहीं आ सकता, अगर ई यहाँ आता है तो 1, 2, 3 एच यहाँ नहीं आ सकता, तो बेसिकली इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये सारा फिक्स हो गया। अब ए जो है वो एफ के पास नहीं आएगा, तो ए एफ के पास नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर आएगा, और जो बचा हुआ डी है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बिकॉज डी जो है वो आई और बी का नेबर नहीं है, तो डी आई और बी का नेबर नहीं होगा, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक ही पॉसिबिलिटी बन जाएगा। आरबीआई में आपका 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस भी इसका ईजी ही आता है, ठीक है, मेंस की भी हम तैयारी करेंगे, मेंस भी ईजी रहता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ईजी रहते हैं, बस ध्यान देना कि आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से।
ठीक है, कुछ स्लॉक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो मैं ये स्लॉक्स करवा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग ओनली अ फ्यू वाले जो स्लॉक्स हैं उनको जरूर प्रिपेयर कर लेना, उस टाइप के स्लॉक्स आपके 101% आएंगे। ठीक है, देखते हैं। ऑल कोको कोला आर मिरिंडा, सो ऑल कोको कोला आर मिरिंडा। अगर आपको मेरी स्पीड हल्की लग रही है, थोड़ा सा आप आवाज़ एडजस्ट कर लीजिएगा एक दो दिन, ठीक है। तो अगर आपको मेरी स्पीड हल्की लग रही है तो आप इसको 1.25x या फिर 1.50x की स्पीड से देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो ऑल मिरिंडा आर फैंटा। थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी आज। ओके, नेक्स्ट है सम फैंटा आर ड्यू, सो सम फैंटा आर ड्यू। ठीक, सो ऑल कोको कोला आर फैंटा, सो ऑल कोको कोला जो है क्या वो फैंटा है? यस, फॉलो होगा। सम ड्यूज आर कोको कोला, कुछ ड्यू जो है वो कोको कोला है, तो ये नहीं पता हमें। खाली आपका फर्स्ट फॉलो होगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, सम होंडा आर फोर्ड। ठीक है, ऑल फोर्ड आर फेट, सम फेट आर बी एम डब्ल्यू। सम फोर्ड आर बी एम डब्ल्यू, सो सम फोर्ड आर बी एम डब्ल्यू नहीं, सम फेट आर होंडा, सो सम फेट आर होंडा यस फॉलो होगा। ऑप्शन क्या होगा? इफ ओनली कंक्लूजन, सेकेंड फॉलो। ठीक है, देन नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे कह रहे हैं सम वॉलेट्स आर बैग, चलो एक और देख लेते हैं। सम वॉलेट आर बैग्स, सम बैग्स आर लेदर, ऑल पर्सेस आर लेदर, सो पर्सेस इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन है सम पर्स आर बैग, सो सम पर्स आर बैग पता नहीं, सम पर्स आर वॉलेट, सो सम पर्स आर वॉलेट ये भी नहीं पता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? नेदर नॉर। आगे है ऑल विंडोज आर ऑपरेटिंग, सो ऑल विंडोज आर ऑपरेटिंग, ऑल डोज आर ऑपरेटिंग, सो ऑल डोज आर ऑपरेटिंग, सब ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग, सो सब ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग, सब प्रोसेसिंग आर विंडोज, तो नहीं हमें पता नहीं इनका रिलेशन है या नहीं। नो प्रोसेसिंग आर विंडो, नो प्रोसेसिंग आर विंडो, तो यहाँ पर क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, बट दोनों में क्या लगेगा? इधर और का केस लगेगा, सब एंड नो है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवन प्लेस पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर टू बी हेल्ड ऑन सेवन कंसेक्यूटिव डेज स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन प्ले कैन बी हेल्ड ऑन वन डे। ठीक है, तो एक प्ले जो है वो एक दिन होगा, तो उसको लिख लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ध्यान देना यहाँ पर स्टेटमेंट में कि यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो यहाँ पे गिवन है ओनली टू प्लेस विल बी हेल्ड आफ्टर वी, खाली दो प्लेस जो है वो वी के बाद प्ले होंगे। तो यहाँ पर यानी कि वी आ जाएगा फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे और संडे खाली दो ही प्ले जो है वो वी के बाद आएंगे। आगे कह रहे हैं ओनली टू प्लेस विल बी हेल्ड बिटवीन यू एंड वी, खाली दो प्ले जो है वो यू और वी के बीच में आएंगे। तो यू की पोजीशन कहाँ हो सकती है? नीचे की तरफ जा सकता है क्या दो का गैप करके? नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ऊपर की ओर जाएगा, यू आ जाएगा ट्यूसडे को। देन ओनली थ्री प्लेस विल बी हेल्ड बिटवीन प्ले क्यू एंड प्ले टी, तीन प्लेस जो है वो क्यू और टी के बीच में आएंगे, और प्लस उसके जस्ट आगे वाली लाइन में क्यू से रिलेटेड है, तो साथ में ले लो कि क्यू विल नॉट बी हेल्ड ऑन संडे, क्यू जो है वो संडे को नहीं आएगा। तो तीन का गैप देखो, अगर मंडे को क्यू और टी देते हो तो 1 2 3 का गैप करके फ्राइडे को क्यू और टी नहीं दे सकते, अगर वेडनेसडे को क्यू और टी देते हो तो 1 2 3 का गैप करके आप संडे को क्यू और टी दे सकते हो, लेकिन संडे को क्या नहीं आएगा? क्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी, और वेडनेसडे को आएगा क्यू। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर आगे कह रहे हैं प्ले पी विल बी हेल्ड बिफोर प्ले एस एंड प्ले आर, तो पी जो है वो एस और आर से पहले होगा, और एंड वाली लाइन है कि प्ले आर विल बी हेल्ड आफ्टर प्ले एस।
आर जो है वो एस के बाद होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। पी जो है वो एस आर से पहले और आर जो है वो एस के बाद, तो पी एस आर इस तरीके से आएगा, तो पी ऊपर एस और फिर आर, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करना कि जब भी, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट आया था, ओनली थ्री प्लेस विल बी हेल्ड बिटवीन क्यू एंड टी, और फिर उसका नेक्स्ट वाली जो लाइन थी वो भी उसी से रिलेटेड थी, तो बेहतर है कि आप उसको पढ़ने और उससे रिलेट करते हुए ही क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। तो ये है ऐसा करेक्ट आंसर। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। सो 1, 2, 3, 4, 5th जेड है, और 10th राइट से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10th, ठीक है। अब इनके बीच में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। तो ये चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 6th काउंट करना है, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6th, बी। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर दियर इन द अबव सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने लेटर्स हैं इस सीक्वेंट में जो कि इमीडिएटली प्रिसीड कर रहे हैं नंबर को और इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं किसको, कॉन्सोनेंट को, ठीक है। तो देखते हैं, नंबर हो, लेटर हो, फिर कॉन्सोनेंट हो। तो नंबर है, लेटर है, कॉन्सोनेंट है, सो फर्स्ट, नंबर के बाद लेटर नहीं है, और कहीं नंबर, नंबर के बाद लेटर फिर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद लेटर और फिर कॉन्सोनेंट, हाँ एक और मिल गया। इसके अलावा देखते हैं, नंबर के बाद लेटर और कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद लेटर और कॉन्सोनेंट यहाँ भी नहीं है, और इसके बाद यहाँ पर भी नहीं है। तो बेसिकली दो ऐसे हमें पेयर मिलेंगे या दो ऐसे लेटर मिलेंगे, सो ऑप्शन नंबर टू होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ द 2nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव सीक्वेंस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो 11th है टू द राइट ऑफ 2nd फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि यहाँ से आपको 2nd चलना है, फिर इसके राइट में आपको 11 चलना है, यानी कि 11 और 2 कितने हो गए, 13। तो लेफ्ट हैंड से 13 डायरेक्ट काउंट कर लो, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, क्यू, 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द 2nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, क्यों ही आएगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। डेटा ये इनइक्वालिटी देखते हैं हम लोग, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है यहाँ पर, जबकि हमको चाहिए बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये भी फॉलो नहीं होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेदर नॉर। देन नेक्स्ट है, क्यू इज ग्रेटर देन एस, सो क्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, एस यहाँ से, सो क्यू इज ग्रेटर देन पी और पी इज इक्वल टू एस, आपका फर्स्ट फॉलो होगा। देन क्यू इज इक्वल टू टी, सो क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, तो इज इक्वल टू नहीं होगा, तो आपका खाली फर्स्ट फॉलो होगा। देन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन मिल गया है, तो फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देन डी इज ग्रेटर देन इक्वल, डी इज ग्रेटर देन ई, तो डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, इसको यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा है वो ए है, सो डी जो है वो ग्रेटर देन है ए से, तो ऑब्वियसली आपका ए जो है वो ग्रेटर देन रहेगा ई से, तो यहाँ पर आपका सेकेंड फॉलो हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। वॉट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन बी इज ग्रेटर देन, बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए क्वेश्चन मार्क, एन क्वेश्चन मार्क, के क्वेश्चन मार्क, एस, टू मेक ए इज ग्रेटर देन एस इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर आप देखोगे हमेशा ट्रू रहना चाहिए, तो ए इज ग्रेटर देन एस के लिए आप देखोगे खाली आपको फर्स्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक ग्रेटर देन का साइन भी मिल गया है, बाकी में आप देखोगे तो इसमें भी स्मॉलर देन का साइन मिल रहा है, इसमें भी स्मॉलर देन का साइन मिल रहा है, इसमें भी स्मॉलर देन का साइन मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, पॉसिबिलिटी रहेगी खाली, डेफिनेट ट्रू आपका किसमें बनेगा, ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 persons ए ई आई ओ यू बी एंड सी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, सो यू जो है वो थर्ड टू द राइट एंड है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, थर्ड टू द राइट है, सो 1, 2, 3, यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ आई और ए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ सी। ओके, देखो ई जो है वो थर्ड टू द राइट है सी के, है ना, तो 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ई जो है वो थर्ड टू द राइट है सी के, सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई और ए, तो सी जो है वो आई और ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, और ए हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ए जो है
वो थर्ड टू दी लेफ्ट है किसके? ओ के, ठीक है. देन ओ हु इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ सी. अब ओ जो है वो सी की इमीजिएट नेबर है ना, तो इसको फिक्स करके देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ आ सकता है. देखो अगर सी यहाँ पर आता है तो वन एंड टू का गैप करके ई यहाँ पर आएगा, और अगर ओ यहाँ पर आता है तो क्या इसके लेफ्ट में आप ए को लेकर जा सकते हो? नहीं, यानी कि सी आपका और आगे की ओर आएगा. अब आगे की ओर आने के लिए सी अगर यहाँ पर आता है तो ई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अगर ओ, चाहे आप ओ को यहाँ दो चाहे आप ओ को यहाँ पर दो, क्या आपका ए आ सकता है? तो देखो अगर आप ओ को यहाँ देते हो तो आपका ए जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है. इसके अलावा देखोगे तो अगर मान लो सी यहाँ पर आता है तो आपका ई यहाँ पर आएगा, तो अगर मान लो ओ यहाँ पर आता है तो क्या आप ए यहाँ पे दे सकते हो? नहीं. तो बेसिकली आपकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, सी ओ और ए की, ठीक है. देन इसके अलावा सी जो है वो आई और ए के पास नहीं आएगा, जिस हिसाब से आई यहाँ पर आएगा है ना, और लास्ट बचेगा बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन तो अभी काफी बचा है, आंसर तो पूरा आ गया. कह रहे हैं यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई. अच्छा यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई, हु सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई. तो यू जो है वो और ई के बीच में ही है, ठीक है, और ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है आई के, ये भी ठीक है. ई और बी जो है वो किसी एंड पे नहीं है, तो नहीं है. देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड यू, हाँ ठीक है, ये भी सही है. और पर्सन जो है वो सी और बी नहीं होगा, तो ये भी ठीक है. मतलब आधा यहाँ से क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही आंसर आ गया, ठीक है. ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड में यही होता है. आगे देखते हैं. सो देयर आर सिक्स लेटर ओ आर यू डी एन ए विच आर अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर सच दैट ए इज प्लेस्ड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन. सो एन 1 2 3 4th, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. 1 2 3 4 5 प्लेस हो गए, तो खाली यहाँ पर आपकी दो सीट्स बढ़ सकती है, एक आपकी राइट एंड पे दूसरी लेफ्ट एंड पे, ठीक है, क्योंकि सिक्स लेटर है. देन ओ इज नॉट प्लेस इमिजिएट नेक्स्ट टू ए और एन. ओ जो है वो ए और एन के इमिजिएट नेक्स्ट नहीं है, तो ओ यहाँ पर नहीं, सॉरी, इस कंडीशन में ओ खाली यहाँ पर आएगा, और आपकी जो सेकेंड वाली कंडीशन है उसमें ओ यहाँ पर आएगा, ठीक है. देन बोथ लेटर्स आर एंड यू आर प्लेस इमीजिएट नेक्स्ट टू ओ. तो आर और यू जो है वो आपका इमीजिएट नेक्स्ट है किसके? ओ के. सो आर और यू कुछ यहाँ पर होंगे, है ना. एंड डी इज नॉट टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. टी जो है वो लेफ्ट एंड पे नहीं है, तो डी राइट एंड पर आएगा, ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड का स्पेस बचा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा. आर एंड यू की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, तो ये रहेगी यहाँ पे पॉसिबिलिटी. आगे कह रहे हैं एट पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर. यू इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी. सो पी 1 2 3 4 एंड 5, यू यहाँ पर. एस इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी. टी इज एन इमीजिएट राइट ऑफ पी. तो टी यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ टू द राइट में, एस यहाँ आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, खाली एक पर्सन और बढ़ेगा. दैट डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस. सो 1 2 एंड 3, डब्ल्यू यहाँ पर. क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी. वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी. सो वी यहाँ पर आ जाएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा. रेस्ट जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा. क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है. गिवन है 7 लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अ वीक. देयर इज ओनली 1 लेक्चर ऑन ईच ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे. सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. ओके. केमिस्ट्री इज टॉट इधर ऑन वेडनेसडे और एंड सैटरडे. तो केमिस्ट्री जो है वो या वेडनेसडे है या सैटरडे है, तो केमिस्ट्री आप यहाँ लिख सकते हो, उसके बाद केमिस्ट्री आप यहाँ लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी. 3 लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. तो 3 लेक्चर्स जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में आएंगे. सो 1 2 3 का गैप करके इंग्लिश यहाँ पर, 1 2 3 का गैप करके इंग्लिश यहाँ पर. फिर 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर. 2 लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश एंड कंप्यूटर के बीच में आएंगे. सो 1 एंड 2 का गैप करके कंप्यूटर यहाँ पे, और इस कंडीशन में आप देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके कंप्यूटर यहाँ पे, ठीक है. फिर लेक्चर ऑन फिजिक्स इज शेड्यूल्ड ऑन द डे विच इज इमीजिएट नेक्स्ट टू द डे व्हेन लेक्चर ऑन बायोलॉजी इज शेड्यूल्ड. सो फिजिक्स जो है वो इमीजिएटली नेक्स्ट आएगा बायो के. तो बायो के इमीजिएटली नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? फिजिक्स आएगा, ठीक, क्योंकि अभी देखो मंडे ट्यूसडे भी आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी आ सकता है. हाँ, इस वाले में खाली वेडनेसडे एंड थर्सडे पर आ सकता है, लेकिन अभी हम रुकते हैं. आगे गिवन है लेटर ऑन साइकोलॉजी, सॉरी लेक्चर ऑन साइकोलॉजी इज शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स नॉट नेसेसरली इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है. तो साइकोलॉजी जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर ही हो, लेकिन आफ्टर होगा और मैथ के बाद आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर नहीं हो सकता. इन्होंने बस ये लाइन दी है कि नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर नहीं होगा, ठीक.
द लेक्चर ऑन साइकोलॉजी इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे और संडे. सो आपका साइकोलॉजी जो है वो सैटरडे और संडे को नहीं आएगा. देखो अगर इस कंडीशन में आप बायो यहाँ फिक्स करते हो, फिजिक्स यहाँ पर फिक्स करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ ऊपर दोगे और साइकोलॉजी आपका कहाँ पर आएगा, संडे को आएगा, यानी ये कंडीशन कट. इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो अगर बायो फिजिक्स आप मंडे ट्यूसडे करते हो तो मैथ और फिजिक्स आपको फ्राइडे सैटरडे करना पड़ेगा, बट आप ऐसा कर नहीं सकते. तो बायो आप यहाँ पे कर दो, फिजिक्स यहाँ पर कर दो और मैथ और साइकोलॉजी आप यहाँ पे कर दो. अब देखो ये कैसा आया, इमिजिएटली आफ्टर. अगर आप इस लाइन पर सही से ध्यान नहीं दोगे तो आप सोचोगे कि अरे ये तो पॉसिबिलिटी गलत बनकर आ रही है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इमिजिएटली आफ्टर हो, लेकिन ऐसा जरूर मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये नहीं होगा. ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग अदर वीडियोज को भी वॉच कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.